अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त दानिश जावेद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं आपके फेवरेट प्रोग्राम हालात में। आज का हमारा टॉपिक है मैसेंजर ऑफ पीस, यानी अमन का पैगंबर। और आप सब जानते हैं कि अमन का पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सैयद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। डॉक्टर सैयद शुएब साहब मशहूर इस्लामी स्कॉलर हैं, स्पीकर हैं नाज़रीन। इस्लामिक नेशनल और इंटरनेशनल चैनल पर आपने इनका चेहरा देखा होगा, इनकी बातें सुनी होंगी। आइए आज हम इनसे बात करेंगे अमन के पैगंबर पर। नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान आज हमारे साथ हैं स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी। लक्ष्मी शंकराचार्य जी, आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप जानते हैं, अमन का पैगंबर है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, मैं आपसे लक्ष्मी शंकराचार्य जी का पूरा तारुफ करा दूं। आप मशहूर स्पीकर हैं, स्कॉलर हैं, हिंदू मजहब में आप पैदा हुए, तालीम और तरबियत हिंदू माहौल में आपकी हुई, लेकिन आपने अपने शौक और अपनी कोशिशों से इस्लाम को जाना, इस्लाम के हादी को जाना, हादी आलम को जाना, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ जाना बल्कि उन पर बोला और मुसलसल बोलते रहे। आपके खिलाफ बातें हुई, आपके हक में बातें हुई, लोगों ने आपको सराहा, लोगों ने आपको नकारा, लेकिन आप अनथक आज तक इस लम्हे तक अमन के पैगंबर पर बोल रहे हैं और जो समझा है, जो जाना है, उसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी फाउंडर हैं हिंदू मुस्लिम जन एकता मंच के। इसके अलावा आपने दो किताबें लिखी। एक किताब तब लिखी जब आप इस्लाम से दूर थे, जब आपने इस्लाम को पढ़ा नहीं था, जाना नहीं था, पहचाना नहीं था, तब उन्होंने किताब लिखी इस्लामी आतंकवाद का इतिहास। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम को जान लिया, समझ लिया और इस्लाम की अहमियत उनकी समझ में आई, तो उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी जो बहुत मशहूर हुई, जिसका नाम है इस्लाम आतंक या आदर्श। इससे पहले कि मैं टॉपिक पे अपनी बात शुरू करूं, आइए सबसे पहले हम डॉक्टर सैयद शुएब साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ दें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते। बहुत दूर से, नहीं जानने से मेरा मतलब है जिन्होंने सिर्फ नाम सुना है या ये सुना है कि एक दुनिया में कौम है मुसलमान जिसके पैगंबर का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं चाहता हूँ इस्लाम की रोशनी में, आपकी शख्सियत की रोशनी में, आपकी हयात मुबारक की रोशनी में आप उनका एक तारुफ दें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाईन। फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह सुभान व तआला कुरान के अंदर फरमाता है, सूरतुल अंबिया 107 नंबर की आयत मैंने तिलावत फरमाई अभी जी जी, के ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सारी इंसानियत के लिए रहमत बना करके भेजे गए हैं। यानी नाज़रीन, यहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बात नोट करने की है कि यहाँ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पैगम्बर, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन कहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी पैगंबर हैं, आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं जो सारी दुनिया के लिए भेजे गए। अल्लाह सुभान व तआला खुद फरमाता है सूरतुल आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 158 में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी से कहलवाता है, कुल या अय्युहन्नास, कह दो ए इंसानो, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअ, मैं तुम्हारी तरफ सबकी तरफ रसूल बना करके भेजा गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अगर आप पढ़ें, देखें, जो लोग सुनी सुनाई बात सुन करके मतलब अगर फैसला करें तो सुनी सुनाई बात है जी 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 जी, लेकिन अगर उनको गहराई से अगर पढ़ने की कोशिश करें, देखें, तो शुरू से लेकर आखिर तक जिंदगी आपको मालूम पड़ेगी किस तरीके से वो रहमत और शफ़त वाली जिंदगी उनकी रही है दूसरों के साथ में जी जी। यहाँ तक कि जब उनको अजियतें पहुँचाई गई हैं, शुरू में अजियतें पहुँचाई गई हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत पेश कर रहे हैं और लोग जो है दुश्मनी पर उतरे हुए हैं, तो लोग सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये हुक्म है अपने हाथ को मत उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ को मत उठाइए और लगातार तकलीफें बर्दाश्त करते चले गए। यहाँ तक कि एक साल नहीं, दो साल नहीं, तीन साल नहीं, बल्कि बरसों साल 13 साल बर्दाश्त करते चले गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कभी भी ये हुक्म नहीं हुआ कि हाथ उठाएं। मक्का की जिंदगी में कभी हाथ उठाने की बात नहीं हुई जी जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप और पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि यहाँ तक कि जानवर भी वो शिकायत करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके। एक ऊँट के बारे में आता है कि उसका मालिक जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डालता था, बहुत सताता था, तो ऊँट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आता है, वो शिकायत करता है और ऊँट की शिकायत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन करके उस मालिक को बुलाते हैं, उसको तंबीह करते हैं। तो यहाँ तक के वो जानवरों को भी शफ़क़त। आपने जो ये वाक़या सुनाया, इससे ये मान लिया जाए, जहाँ आपने कहा कि ऊँट ने आके शिकायत की,
تو میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا، اونٹ نے اپنے انداز سے شکایت کی یا اونٹ کو زبان مل گئی، یا میں یہ سمجھوں اس بات سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کی زبان آتی ہے؟ نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو الحمدللہ سارے جانوروں کی زبان آتی. یہاں پر خصوصی معجزہ کے طور پر ہوا ہے کہ اونٹ جو آ رہا ہے وہ تلوے چاٹ رہا ہے اور شکایت کر رہا ہے اس طریقے سے، تو وہ ایک معجزاتی طور پر معلوم، مطلب اس کی حرکات و سکنات سے یہ احساس ہو رہا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں، وہ تو اطلاع ملنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو اطلاع مل ہی جاتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تک کہ جانور بھی شکایت کرتے تھے، جانور کے تعلق سے بھی یہ حکم ہوتا تھا کہ ان کے اوپر زبردستی زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، میں آپ کے پاس آتا ہوں. بہت اچھی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر شعیب صاحب. ناظرین، یہ تو آپ نے ایک تعارف سنا، ایک مسلمان کی زبانی، ایک ایسے شخص کی زبانی جو ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوا، جس نے آنکھ کھولنے کے بعد جس کے کانوں نے آواز سنی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ سنا اذان کے ساتھ اور اقامت کے ساتھ، تو اس کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک تعارف ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ڈاکٹر شعیب صاحب نے ہم کو دیا. لیکن اب آئیے ایک ایسے شخص کے پاس چلتے ہیں کہ جس کا ماحول، جس کی پیدائش، جس کی سمجھ سب کی سب اسلام اور اسلام کے ہادی سے دور کے ایک ماحول میں ہوئی، جس کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا ان کے دین یا اسلام کا نام لیا بھی نہ جاتا ہو، شاید انہوں نے سنا بھی نہ ہو جب تک وہ اپنے ماحول سے باہر نہ نکلے ہوں. آئیے ان سے اس سوال کو دو طرح سے کرتے ہیں. سوامی جی، میں آپ سے دو طرح سے یہ سوال پوچھوں گا. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ نے اسلام کو جانا سمجھا اور پڑھا نہیں تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا سمجھا اور پڑھا نہیں تھا، آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے تھے، تب آپ کا حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا امپریشن تھا؟ آپ کیا سوچتے تھے، کیا سمجھتے تھے اب ہندو کمیونٹی کی دوسرے لوگوں کی طرح؟ سب سے پہلے میں نے قرآن مجید پڑھی، اور قرآن مجید پڑھا اس لیے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں اخباروں میں اس طریقے سے لکھی گئی. سوامی جی، بعد میں آؤں گا اس بات پہ. میرا پہلا سوال اس سے پہلے، پڑھنے سے پہلے، آپ کے سامنے جب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہو یا نام لیا جاتا ہوگا تو آپ کیا امپریشن لیتے تھے؟ میں یہ سوال اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جاننا چاہتا ہوں، اور ہمارے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک غیر مسلم شخص جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اس ماحول سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ اس وقت کیا سوچتے تھے آپ؟ ہم اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھے. جتنا بھی جانتے، جب بھی نام آتا تھا تو کیا سمجھتے؟ ہاں، تو جو کتابوں میں پڑھا تھا، کورس کی کتابوں میں، بس اتنا ہی جانتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایک مذہب کے ایک رہنما ہے. جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں بس، یا یوں کہہ لیجئے جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ جو رہنما ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں پوچھ لیے. جی جی جی، بس مسلمانوں کے پوچھ لیے. جی جی بس. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا اسلام کو پڑھنے کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ آپ کا دل کیوں چاہا کہ آپ اسلام کو پڑھیں؟ اسلام کے بارے میں نگیٹو چیزیں میں نے پڑھی اخباروں میں. جی. کہ قرآن مجید کی آیتوں کی وجہ سے، قرآن مجید میں جو اللہ کے حکم ہیں انہی کی وجہ سے یہ جو بھی ہے وہ آتنکواد ہے، اس طریقے کا کچھ لوگوں نے لکھا. تو مجھے لگا کہ مجھے بھی پڑھنا چاہیے قرآن مجید کو. تو قرآن مجید کو ہم نے اس نظریے سے پڑھا کہ کیا قرآن مجید میں آتنکواد کے بارے میں کوئی حکم ہے. کمیاں ڈھونڈنے کے لیے پڑھا. کمیاں ڈھونڈنے کے لیے، اچھائیاں دیکھنے کے لیے نہیں، برائی دیکھنے کے لیے. برائی دیکھنے کے لیے پڑھا. تو چونکہ دماغ میں وہ چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم کو کمی دیکھنا ہے، تو اسی نظریے سے ہم نے دیکھا تو مجھے لگا کہ کچھ ایسا ہے. یدھ کی آیتیں ہیں، لڑائی کی آیتیں ہیں، اس طریقے کی آیتیں ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ ساری چیزیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیتوت میں ہوئی. تو مجھے لگا کہ یہ ایک نگیٹو آپ کے بارے میں وچار ہوا ہمارے دماغ میں، تو ہم اسی نظریے سے ہم نے قرآن مجید کو دیکھا اور آپ کو بھی دیکھا. میں یہاں بڑا ایک عجیب سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی جی. بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ کلام پاک اس وقت پڑھا جس کے بعد آپ نے یہ اپنی کتاب لکھی اسلامی آتنکواد کا اتہاس. تو اس وقت جب آپ نے کلام پاک میں یہ پڑھا اور یہ سوچا کہ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں ہو رہا ہے، آپ نے یہ پڑھا کہ جو ریفرنسز میں اکثر لوگ ادھوری آیتیں پیش کرتے ہیں، جی جی جی، ادھوری باتیں بتاتے ہیں جنگ کے حوالوں سے، لیکن جب میں ہندوازم کو پڑھتا ہوں اور میں شریمد بھگوت گیتا کو پڑھتا ہوں اور اس میں بھگوان شری کرشن کا سندیش ان کو پڑھتا ہوں ارجن کو، تو مجھے تو ویسی باتیں نظر آتی ہیں. سر، دھرم یدھ، دھرم یدھ کہہ کے ایک یدھ کیا جا رہا ہے جو یدھ صرف اور صرف زمین کے لیے ہے. ہاں. صرف اور صرف گاؤں کے لیے ہے، صرف صرف حکومت کے لیے ہے، اور اسے دھرم یدھ کہا جا رہا ہے. اور جب وہ دھرم یدھ ہے تو دھرم یدھ کے لیے بھگوان خود کھڑے ہو کے انکریج کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ تم لڑو، کیونکہ زندگی اور موت کچھ نہیں ہوتی، تم لڑو. مجھے ایسی ہی باتیں وہاں پر نظر آتی ہیں،
وہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، اچھائی کو قائم کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے یدھ کرو. تو کیا اس وقت آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، یا آپ جیسے دوسرے اسکالرس جو ہیں وہ سملرٹی جو میرا دماغ ڈھونڈ رہا ہے آپ کا دماغ نہیں ڈھونڈ پایا؟ نہیں نہیں، وہ اس سمے تو نہیں ڈھونڈ پایا، لیکن بعد میں میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی سیرت، تو اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جیسے آپ کے اوپر اتیاچار ہو رہے ہیں، تو ان اتیاچاروں کو دور کرنے کے لیے اور جان کو بچانے کے لیے اس طریقے کے یدھ کے آدیش، یدھ کے حکم اللہ کی طرف سے آئے. تو مجھے سملرٹی دکھائی دی سریمد بھگوت گیتا اور قرآن مجید میں، اور لگا کہ جیسے وہاں دھرم یدھ ہوا اسی طریقے سے دھرم یدھ یہاں پر ہوا. یہ یدھ نہیں تھا، یہ دھرم یدھ تھا. اور دھرم یدھ اس لیے ہوتا ہے کہ جب انیائے، اتیاچار اور اسطح یہ جب اپنے ایک دم چرم سیما پر، سب سے ٹاپ پر جب ہو، اور اس کے روکنے کے لیے بات چیت کے سارے راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نہ بچے، ایک ہی راستہ بچے جنگ، یدھ، تو اس یدھ کو دھرم یدھ کہتے ہیں. یہی چیز مہابھارت میں ہوئی اور یہی چیز قرآن مجید میں ہوئی، لیکن دونوں میں فرق ہے. شروع میں آپ نے جیسا کہا کہ یہاں پر ایک کوروں نے پانڈووں کا راج ہڑپ لیا تھا، ایک راج کے لیے ہو رہا تھا، لیکن وہاں ستیہ کے لیے ہو رہا تھا. نہیں، اسے آپ اس پروسپیکٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کا راج ہڑپ لیا، حق مار لیا. جی جی جی، حق مارنا بھی اسط ہے. جی 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 جی، اس پروسپیکٹ میں اگر کوئی لینا چاہے لیا جا سکتا ہے. جی 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 جی. لیکن اچھا، میں آپ کے پاس آتا ہوں ایک منٹ، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ڈاکٹر شعیب صاحب کے پاس جاؤں گا. شعیب بھائی، میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کریں گے حضرت رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم وہ حالات جانیں، اس ماحول کو جانیں جس ماحول میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود ہوا، آپ کو اللہ رب العزت نے بھیجا، تو وہ کیا ماحول تھا؟ کیونکہ ہمارے سماج میں بڑی عجیب طرح سے ڈسکشن ہوتے ہیں، ہم ڈسکشن اسلام کا کرتے ہیں، ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ڈسکشن کرتے ہیں، یہ ڈسکشن نہیں کرتے کہ اس وقت پھیلی ہوئی برائیاں کیا تھیں. تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں فی الحال کہ پری اسلامک ایرا جو ہے، اس پری اسلامک ایرا کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں آپ ہمارے ناظرین کے لیے، اس کی برائیوں کو، اس کی کمیوں کو، اور اس ماحول کو. کیونکہ جہاں تک میں نے پڑھا ہے، کسی نے سعودی عرب کہ اس خطے پہ حملہ تک نہیں کیا، اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے غلام بھی بنا لے. جی بالکل، اس قابل نہیں سمجھا گیا. بالکل، یہ خطہ اس قدر عجیب و غریب خطہ تھا کہ دنیا کے ہر ملک پہ دوسرے ملکوں نے، کیونکہ اس وقت زمانہ یہ تھا کہ مائٹ از رائٹ، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوتی تھی بڑا ملک چھوٹے ملک کو ہڑپ جاتا تھا اور اپنی حکومت بڑھاتا چلا جاتا تھا، چاہے رومن سولائزیشن ہو، چاہے گریک سولائزیشن ہو، ایرانین سولائزیشن ہو، یا کوئی سا بھی ہو. لیکن معلوم تاریخ میں، نان ہسٹری میں، کہیں بھی عرب کے خطے پر کسی دوسرے بادشاہ نے ہڑپ کرنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے کوئی حملہ نہیں کیا، سوائے ایک ابراہا نام کا حملہ ضرور نظر آتا ہے، وہ بھی غلام بنانے کی نیت سے نہیں تھا، حکومت کی نیت سے نہیں تھا. تو یہ اتنی زیادہ جاہلوں کی بستی تھی، اتنی زیادہ برائیوں کی بستی. میں چاہتا ہوں ڈاکٹر شعیب صاحب اس پہ پوری طرح روشنی ڈالیں. جاوید صاحب، آپ نے تو سوال کر کے خود ہی جواب دے دیا. میں صرف ایک جملے میں ایک بات کہوں گا اس تعلق سے کہ اس پری اسلامک ایرا، پری محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایرا تھا، اس کو ایام الجاہلیہ کہا جاتا ہے، کہ ڈیز آف اگنورینس. جی جی، ڈیز آف اگنورینس اس معنی میں کہ یہ لوگ کعبہ کا جو طواف کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پیدا ہوئے بغیر کپڑے کے، تو ہم کپڑے کے ساتھ میں کس طریقے سے ہم اللہ کے سامنے طواف کریں گے؟ ہم تو بغیر کپڑے ہی طواف کریں گے. تو ننگے طواف کرتے تھے، عورت مرد سب ننگے طواف کرتے تھے. اتنی گئے گزرے تھے کہ جو زمین پر خون گر جاتا تھا اس کو چاٹ لیتے تھے. اچھا، یہ میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، طواف کی بات آپ نے کی کہ طواف کرتے تھے، مطلب خدا کو مانتے تھے یہ لوگ؟ خدا کو یہ مانتے تھے، خدا کے ساتھ میں شرک کرتے تھے. یہ بڑی اہم بات ہے، خدا کو مانتے تھے. پری اسلامک ایرا میں عربیہ میں یہ نہ سمجھا جائے کہ اہل ہنود کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جو خالص خدا کو کسی مورتی میں دیکھتے ہیں، اس طرح کے لوگ نہیں تھے. وہ خدا کو مانتے تھے اور خدا کے روپ میں مانتے تھے، ان کے شریک پیدا کر لیے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طریقے سے ماحول تھا، نوچ کھسوٹ، مار کاٹ، یہ تو عام بات تھی. بلکہ ایک شخص ہے، وہ اپنے سوتیلی ماں، جو اس کی ماں ہے، اس کے ساتھ شادی کر سکتا تھا. ایک ایک عورت جو ہے 10-10 شوہر رکھتی تھی، اور جس شوہر سے اگر بچہ پیدا ہوگا تو جس کی طرف وہ اشارہ کرتے کہ یہ اس کا بچہ ہے، اس کو ماننا پڑتا تھا. تو اس طریقے کا نوچ کھسوٹ کا معاملہ تھا پورے. اور میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر کہ یہ جو زندگی، یہ جو ماحول ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی، صداقت ہونے کی. وہ کیسے، میں بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں اور ان کے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے اناتھ ہو گئے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. پیدا ہونے کے بعد میں 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے.
अब दोनों माँ बाप वो संभालने से पहले मिस्कीन, हाँ मिस्कीन हो गए दोनों, माँ बाप दोनों नहीं है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब अपने दादा के सुपुर्द किए जाते हैं उनकी किफालत में जी। दादा भी अब भी ज्यादा दिन नहीं जी पाते, 2 साल के अंदर वो भी इंतकाल कर जाते हैं, वो भी इंतकाल कर जाते हैं। अब उनकी किफालत चले जाती है अबू तालिब के हाथ में, अबू तालिब उनकी किफालत बड़े तक करते हैं। लेकिन सोचने की जरूरत ये है कि एक बच्चा जिस तरीके से बढ़ रहा है, नशोनुमा पा रहा है, 6 साल का हो रहा है, 7 साल का हो रहा है, 10 साल का होगा, 8 साल, कौन से माहौल में हो रहा है? ये माहौल तो एकदम बुराई से भरपूर माहौल है। हाँ, मैं उसे उसे बुराई से भरपूर माहौल में जहाँ पर शराब एकदम आम है, वो शराब जो आम थी घर घर के अंदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में एक कतरा नहीं गया। कतरा नहीं गया। मैं ये पूछता हूँ, ये मैं पूछता हूँ कि किस तरीके से ये मुमकिन है कि वो माहौल में शराब जहाँ पर घर घर के अंदर है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में कतरा नहीं जा रहा है? किसकी रहनुमाई हो रही है? ये तो अल्लाह ही की तरफ से हो रही है ना, बाप की देख रेख है नाज़रीन। अच्छा, इससे माँ की देख रेख। इससे बड़ी बात ये कि हर घर का, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का भी जो मजहब था, दीन था, वो मूर्ति पूजा थी, आइडल वर्शिप थी। काबा के अंदर 360 बुते रखे हुए थे। घर के अंदर अबू तालिब का दीन वही है, पूरे फैमिली का वही दीन है, पूरे समाज का वही दीन है, वही मूर्ति पूजा करने की दीन है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से लेकर के बड़े तक 40 साल की उम्र तक कभी भी अपना माथा, अपना सर मूर्तियों के सामने नहीं झुका। ये अपने आप तो पॉसिबल नहीं है ना, नबी होने की दलील नेचुरल है ना, बुराइयों की तरफ और आते हैं। और फिर उसके बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नोच खसोट, ऐसे लूट मार के माहौल में उनको टाइटल मिलता है अलमीन असिद्दीक, अलमीन असिद्दीक, अलमीन असिद्दीक, के सच्चे और ट्रस्टवर्दी। अब सवाल ये बहुत बड़ा उठता है कि जो शख्स 40 साल की उम्र तक अपनी जात की खातिर, दुनिया की खातिर झूठ नहीं बोलता एक भी मर्तबा, वो 40 साल की उम्र होते ही फौरन लगातार रोजाना सैकड़ों झूठ बोलते चला जा रहा है। बहुत तेजी से जा रहे हैं आप। एक मिनट आते हैं इस पर शेख भाई। स्वामी जी, अभी डॉक्टर शेख साहब हमें बता रहे थे कि प्री इस्लामिक एरा जो है उसकी बुराई है, उसकी बुराई थी शराब आम थी, लोग झूठ बोलते थे, झगड़े करते थे, कई बार ऐसे झगड़े होते थे कि सैकड़ों साल से झगड़े चले आ रहे हैं, लोग वजह भूल गए इन कभी लोग झगड़े क्यों हैं, लेकिन वो दुश्मनियाँ चली आ रही हैं। बच्चियों को, लड़कियों को बेइज्जती समझते थे, जिंदा दफना दिया करते थे, सब कर देते थे। क्या आपको उस माहौल की इन बुराइयों में कहीं वो बुराइयाँ नज़र आती हैं जो दानवों के समाज में या लंकेश के समाज में या उन समाजों में जहाँ पर हिंदू धर्म के हिसाब से अवतार और हादी या हिदायत देने वाले उतारे गए, वहाँ जो बीमारियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, वैसी बुराइयाँ यहाँ नज़र आ रही हैं आप? मैं बिल्कुल, जो राक्षस समाज था वो ऐसा ही था, और उस राक्षस समाज का मुकाबला करने के लिए और उसको समाप्त करने के लिए ही अवतार आए। अवतार का मतलब है कि ईश्वर की दी हुई ताकत से जो लोग आते हैं उनको अवतार, अवतार का मतलब ईश्वर का अवतार नहीं, ईश्वर की दी हुई ताकत को लेकर के जो आते हैं लोग उनको अवतार का। अच्छा, मैं ये बड़ी अच्छी बात आपने, मैं ये पूछना चाहता हूँ और ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज इस मामले में जीरो है, मेरी भी आप जानकारी बढ़ाइए। आमतौर पर अवतार समझा जाता है, हम जो समझते हैं या आम लोग जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि अवतार भगवान इंसान का रूप लेके धरती पर आ जाता है। जी, जी। खासकर भगवान विष्णु ने ज्यादातर अवतार उन्हीं के, भगवान विष्णु किसी इंसान का रूप लेके जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन आप नई बात बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि भगवान विष्णु की दी हुई कोई ताकत लेकर कोई दूसरी आत्मा, कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा क्रिएचर वो जमीन पे आता है, इसे साबित कीजिए आप। श्रीमद् भगवद गीता में श्लोक है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ है कि ऐ अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि तू उसका मतलब थर्ड पर्सन, ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आ, है ना। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू, तमेव का मतलब तू उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कौन है? ईश्वर की तरफ इशारा कर रहा है कि उस ईश्वर की शरण में जा। अगर खुद ईश्वर होते तो खुद को, खुद ईश्वर होते तो कहते मेरी शरण में आ। तो श्रीमद् भगवद गीता ही इसका प्रमाण है। ईश्वर का अवतार श्री कृष्ण जी नहीं थे, वो ईश्वर के आदेशों को बताने वाले थे, उसके संदेश वाहक थे। अच्छा, यहाँ इस बात को और क्लियर करने के लिए, हालांकि सवाल क्वेश्चन मेरा थोड़ा इररिलेवेंट है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, वो ये है कि अगर भगवान कृष्ण और भगवान राम या तमाम अवतार भगवान नहीं थे और भगवान की दी हुई शक्तियों के मालिक कुछ इंसान थे, तो क्या ये खुद किसी की पूजा करते थे? बिल्कुल पूजा करते थे, ईश्वर की पूजा करते थे। हाँ, ईश्वर की पूजा करते थे। बताइए आप, ईश्वर की पूजा भगवान राम और भगवान कृष्ण, भगवान राम और भगवान कृष्ण खुद ईश्वर की पूजा करते थे। आप चाहे क्रिएटर
समझ के पूजा क्रिएटर कह लें, चाहे चाहे आप रब समझ लेकिन के पूजा कर लीजिए। बड़ी दिलचस्प बात स्वामी जी ने हमें यहाँ बताई जो क्लियर हुई और प्रमाण के साथ बताई कि भगवान श्री राम और कृष्ण जी भी भगवान की पूजा करते थे और अपने आप को भगवान नहीं मानते थे। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि वो राक्षसों जैसा माहौल आपको नजर आ रहा है यहाँ, तो उस राक्षसों जैसे माहौल में एक हादी, एक पैगंबर, या आप अपनी जबान में कहें कि एक अवतार की जरूरत थी, जिस तरह जो अवतार आपने डिफाइन किया भी जरूरत थी, जो इस माहौल की बुराइयों को दूर कर सके और इंसानियत का भला कर सके, इंसानियत को आगे ले जा सके, और महाभारत में होने वाले असत्य के खिलाफ सत्य के जैसे एक युद्ध को करके तमाम दुनिया को मुक्ति दिला सके, ऐसा ही है जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आप पूछ रहे थे कि जो बुरा माहौल था, ईश्वर जो मालिक जो है हमारा, उसको बुराई को खत्म करने के लिए हमेशा अवतार भेजता रहा, ये तो एक श्लोक ही है ना भगवद गीता में, और ये भगवद गीता का श्लोक तो इतना मशहूर हुआ है कि सारे घर घर के अंदर महाभारत जब आ रहा था तो सबको यदा यदा ही धर्म से भगवती भारत, यही है ना? जी हाँ, माफ करना, मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ तो कुछ गलती होगी तो माफ करना। तो ये कि जब जब मतलब बुराई होती है तब तब हम अपनी तरफ से भेजते हैं उस बुराई को खत्म करें। मैं इसी लेकिन, लेकिन लेकिन सवाल ये है कि मैं ये पूछता हूँ कि ये श्लोक कब कहा गया? ये श्लोक कब कहा गया? अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे कि 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले अगर ये बात कही गई और सच्ची बात है तो इन 4,000-5,000 साल में कितनी मरतब बुराई आई होगी, कितनी मरतब बुराई खत्म हुई होगी, और उसी तरीके से एक बुराई ये भी अरब के अंदर पैदा हुई और ये बुराई खत्म हुई 23 साल के अंदर, जो इनकलाम आया 23 साल के अंदर जो ये बुराई पूरी खत्म हुई, ये अपने आप में एक मिसाल है। मिसाल दुनिया में कोई तारीख ही कोई मिसाल नहीं मिलती। स्टेज वाइज आ रहा हूँ, अब ये साबित हो गया हमारी इस टॉक से, ये साबित हो गया कि चाहे आप हिंदू मजहब में बताए गए माहौल को लें या बताई गई बातों के जरिए जो माहौल क्रिएट होता है बुराई का उसे लें, या इस्लाम में बताई गई बातों के जरिए जो माहौल क्रिएट होता है उसे लें, दोनों सूरतों में दोनों तरह से नाज़रीन ये बात साबित हो जाती है कि हादी अकबर अमन के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अरब के इस खित्ते में, जिसे आज हम सऊदी अरब कहते हैं, उस खित्ते में बुराइयां अपने उरूज पर थी, ऐसी थी जैसे कि अभी स्वामी जी ने कहा कि राक्षसों के किसी देश में, राक्षसों के किसी मुल्क में, दानवों के किसी मुल्क में बुराइयां होती हैं, जहां शराब अच्छी चीज थी, जहां मर्द और औरतों के जायज़ और नाजायज़ ताल्लुकात अच्छी बात थी, जहाँ औरतों और लड़कियों को बेइज्जती का सामान समझा जाता था, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, जहाँ लोग माल और दौलत के लिए एक दूसरे के गले काट देते थे, जहाँ सब कुछ इंसान का अपना दिल अपना जिस्म था, जहाँ जिसका जो जी चाहता था वो करता था, ऐसे माहौल में हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और इन बुराइयों के दरमियान छाई की तरह आपने परवरिश पाई, आप पैदा हुए और आपसे अल्लाह ने सारे सहारे छीन लिए और उसके बावजूद हर वो मौका दिया जो किसी बच्चे को बिगड़ने के लिए सुनहरा मौका होता है, यानी किसी भी बच्चे को उसके बुराइयों की तरफ जाने से उसका बाप रोकता है। हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद उनकी पैदाइश से पहले इंतकाल फरमा गए, तो अब छोटे से बच्चे को रोकने वाला बाप नहीं है। जहां होश संभाला, जहां अच्छाई और बुराई समझ में आनी शुरू होती है 6 साल की उम्र में, वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी माँ बीबी आमना को भी वापस बुला लिया। और जरा सा समझदारी की तरफ आते हैं, 8 साल की उम्र तक, हमें शुएब भाई ने जो बताया उसकी समरी में पेश कर रहा हूँ, 8 साल की उम्र तक दादा भी चले गए। इसे आगे बढ़ते हैं शुएब भाई, ये हादी अकबर, ये अमन के पैगंबर की इनफेक्ट नशोद नुमा हो रही है, ये उनकी परवरिश हो रही है और इसमें निगहबानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हो रही है, तो मैं चाहता हूँ और तफसील में आप बताएं 8 साल से आगे बढ़े। मैं कह रहा हूँ कि 8 साल से लेकर के बड़ी उम्र तक ये रहनुमाई अल्लाह सुभान तआला की तरफ से हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि शराब उनके मुंह में 40 साल तक नहीं मुंह में गई। मैं कह रहा हूँ कि उनकी जो मजहबी दीन था, जो रिलीजन था, जो धर्म था, वो मूर्ति पूजा थी, वो मूर्ति पूजा की तरफ अपनी तरफ झुका नहीं, और जहाँ पर माहौल था झूठ बोलने का, मारने काटने का, वहाँ पर वो अपने मुँह से एक गलत शब्द और झूठ नहीं बोले। एक मर्तबा का वाक़या मैं बताता हूँ क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर गाना बजाना हो रहा था, वहाँ उस तरफ अपनी उम्र में 10-15 साल की उम्र रही होगी, वहाँ चले गए। वहाँ जाने के बाद, हालांकि गलत थी, गाना बजाने को आती, अल्लाह पाक का करना यह हुआ कि वहाँ पहुँचते के साथ उनको नींद तारी हो गई, ऊपर से हिफाजत हो रही है, नींद तारी होगी, सोए रहे कपिल, जब बेदार होते तो मालूम होता सारा मामला सब खत्म है। तो यहाँ तक के देखिए कि बचपन से लेकर के 40 साल की उम्र तक
बगैर दाग का एक शख्स जो है ऐसे माहौल में जहां पर दागदार होना लाजिम है, कॉमन, हर कोई वैसे ही है, ऐसे ही बुराई में है, लेकिन वो शख्स जो है ऐसा बढ़ता है, 40 साल की उम्र होती है, आखिर उम्र में वो पहुंच जाते हैं गारे हीरा में, आखिर में बाद में आते हैं, ये पहले 25 साल तक आते हैं, 25 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक 25 साल तक। स्वामी जी, आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बारीकी से पढ़ा, तो आपकी जो ये पैदाइश 25 साल तक की उम्र है, इसके बारे में आपने कोई ऐसी बात पढ़ी जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के बाद सबसे पहली हमारे ऊपर जो असर पड़ा वो कुरान मजीद को, जो मैंने समझा था कि कुरान मजीद में आयतें, ये आयतें लड़ाई के हैं, आतंकवाद के लिए हैं, तो एकदम नजरिया बदल गया मेरा। नजरिया ये हो गया कि ये युद्ध जो हुआ, जो युद्ध का हुक्म हुआ कुरान मजीद में, वो आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हुआ, बुराइयों को समाप्त करने के लिए हुआ, और तब हुआ जब कोई रास्ता नहीं बचा। तो सबसे बड़ी चीज ये मैंने महसूस की, मैं लोगों से कहता भी रहता हूँ, अगर कुरान मजीद को समझना है तो सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ो, और कुरान मजीद समझने का आईना है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे समझ से कि कुरान मजीद की एक एक अच्छाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई बन गई, बल्कि हम इस शब्दों में कहें कि कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, उतरने के बाद आप के दिल में उतरी, और दिल से उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई, आपका एक एक कर्म कुरान मजीद में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ। बेशक अल्लाह पाक कलाम पाक में फरमाते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर शुएब साहब, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में फरमाते हैं कि नहीं फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक कुछ जब तक हम उन्हें फरमाने के लिए नहीं कहते। जी आज बड़ी यहाँ मुझे अच्छी बात कह रहे हैं, यहाँ मुझे कुरान मजीद की एक आयत याद आ रही है, कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो, ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया, नरमी ही नरमी रही सदैव। और दूसरी आयत है सूरा 7 की आयत नंबर 199, उसमें अल्लाह का हुक्म है, ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और जाहिलों से किनारा कर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी माफी और माफी। और दूसरा शब्द गुस्सा रोकने का दुनिया में सबसे अच्छा तरीका अगर किसी ने बताया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, माफ कर दो, गुस्सा खत्म। सबसे ज्यादा मैं इसी चीज से प्रभावित। बड़ी अच्छी बात आप बता रहे हैं, मैं अपने सिलसिलेवार स्क्रिप्ट वाइज आगे लेके चल रहा, उससे पहले डॉक्टर शुएब साहब आपसे माफी के हवाले से पूछना चाहूंगा, बदला लेने के लिए जो सबसे बड़ा मौका मुसलमानों के पास था वो फतेह मक्का का मौका था, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफें, सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा इस्लाम दुश्मनी और सबसे ज्यादा कत्लो गारतगरी अगर किसी ने की थी तो मक्के वालों ने की थी, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दोस्तों, आपके खानदान वालों, आपके कबीले वालों और आपके साथ रहने वालों और मुसलमानों पे वो जुल्म ढाए थे जो आज भी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वही हादी अकबर, रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर के साथ उस मक्के को फतह करते हैं, तो उसके बाद क्या उन सहाबा इकराम का जो उन गलियों में दौड़ाए गए थे, जो मारे गए थे, पीटे गए थे, उनके ऊपर क्या बदले का गलबा होगा, जरा बताइए, डिटेल में बताइए थोड़ा। बदले का गलबा तो जाहिर है, नेचुरल था, मतलब 10,000 का लश्कर, 10,000 का पूरा ग्रोह, 10,000 कितना होता है उस जमाने में, अब वो आ रहा है, और वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, अपनी ऊंट के ऊपर बैठे इतनी ह्यूमिलिटी के साथ में, इतने तवाज़ु के साथ में इस तरीके से दाखिल होते होते किसी एक ने आवाज दी, आज है बदला लेने का दिन। वो जोश आया क्योंकि उन लोग को पता था कि भाई इस तरीके से हमको परेशान किया गया, इस तरीके से हमको घर से बेघर किया गया, हमको भगाया गया, हमको मारा गया, सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा के उनको ऊंट पकड़ करके उनके दो बदन के चीर दिया गया है कि नहीं, और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के फीने के ऊपर बड़ा सा पत्थर रख करके कहा कि बाज आ जाए, लेकिन हद करते रहे इस तरीके से बेशुमार मुजालिम। इसी वजह से कुछ सहाबा चिल्ला उठे कि आज तो बदले का दिन है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाते हैं अपना सर जो झुका हुआ है, उसको कर नहीं नहीं आज तो रहम का दिन है, माफी का दिन, मतलब माफी का दिन है, रहम बदले का दिन नहीं है, बदले का दिन नहीं है, रहम का दिन है। और जो भी सुफियान के घर के अंदर दाखिल हो जाए, जो कट्टर दुश्मन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अमन पा गया, तो इस तरीके से सारे लोगों को अमन दे दिया। हालांकि होना ये चाहिए था, अगर ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि लोगों को मार काट करके खत्म कर दे, तो ये सबसे अच्छा मौका था मार काटने का, सबसे अच्छा फाते बन के घुसे हैं, फाते बन के सबसे अच्छा मौका था मार काटने का, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मार काटने की बात है। हम मारने काटने की बात कैसे कर सकते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि सारी इंसानियत जो है वो जन्नत में जाए,
जिसके लिए हम ये ख्वाहिश रखते हैं कि सारी इंसानियत जन्नत में जाए, उसको मार करके हम जन्नत में कैसे पहुंचाएंगे? कैसे पहुंच सकते हैं उसको मार करके हम जन्नत में कैसे? स्वामी जी, हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े इवेंट पे आम माफी कह रहे हैं, अमन, आम अमन। जो कोई सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसे माफी मिल गई। अच्छा, फिर आपने पढ़ा होगा आगे, मैं चाहता हूँ आप अपनी जबान से बयान करें, क्योंकि आपने पढ़ा है कि उस वक्त जो जंग के कैदी आते थे तो आप उनको एक आदमी दूसरे को नल सिखाए और चला जाए, ये सब चीजें आप पे किस तरह से असरअंदाज हुई? क्या आपका पहला रिएक्शन क्या था जब इन चीजों को पढ़ना शुरू किया आपने, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था, जो अखलाक था, उसको पढ़ने के बाद मेरे मुंह से एक ही चीज निकली, न भूतो न भविष्य। ऐसा इंसान न कभी पैदा हुआ है न कभी पैदा होगा। और सबसे बड़ी चीज जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी, आपने बदला लेने के लिए कभी नहीं सोचा। और इंसानियत का दर्जा जो था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में, वो सबसे ऊपर था। आपने न तो उसमें यहूदी देखा, ना कोई मूर्ति पूजक देखा, ना ही जो है ईसाई देखा, ईसाई देखा, कोई नहीं, केवल इंसान की नजर से देखा। फैसला अगर भी देना और न्याय करना हुआ तो भी वो इंसान की नजरिए से फैसला दिया। ये सबसे बड़ी खूबी थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हमारे जीवन में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्रभाव पड़ा है कि अगर मैं ये कहूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गुरु हैं और मैं आपका एक अनुयायी हूँ, तो ये कहने में मुझे फख्र महसूस होता है। क्या बात है नाज़रीन, मुझे स्वामी जी की बातें सुन के एक मशहूर शायर चंद प्रकाश जौहर बिजनौरी का शेर याद आता है कि मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर, मैं हिंदू हूँ मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिर अदाई का। स्वामी जी, आपको देख के ये ख्याल आया, बहुत बड़े शायर थे चंद प्रकाश साहब, उन्होंने ये शेर कहा था। आइए शुएब भाई, अब ये 25 साल से 40 साल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम, मैं जब पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक यही पीरियड मुझे ऐसा नजर आता है जो थोड़ा सा जिसके बारे में लोग कम जानते हैं या जिसके बारे में कम बात की गई है। ये वो पीरियड है कि जब अवामी या आम जिंदगी से आप ज्यादातर दूर रहे, और जब शादी की आपने 25 साल की उम्र में, बीवी खतीजा से आपने शादी की, तो उसके बाद उस वक्त तक तो कारोबार भी आपने खूब किया, लेकिन उसके बाद कारोबार में भी कमी आई कुछ, और ये मेहनतें रियाजतें भी बढ़ गई, गारे हीरा की तरफ जाना शुरू हो गया। तो 15 साल का जो ये पीरियड है, इस पीरियड के बारे में हमें कुछ बताइए। 25 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे पहले ही मतलब खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिजनेस वुमन थी, तो उनको पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अच्छे आदमी है, मुनार है, तो उनको खादिम मतलब अपने बिजनेस संभालने के लिए सीरिया के लिए हायर किया। तो बिजनेस संभालने के लिए हायर किया, उनके साथ में दूसरे भी लोग थे। तो सीरिया जाने के बाद में जो बिजनेस वापस लौटते हैं तो जबरदस्त फायदा होता, और जो रास्ते भर जो खादिमों ने देखा कि जो उनका हाव भाव था, जिस तरीके से बातचीत थी, जिस तरीके से उनका डीलिंग थी, वो मुतासिर करे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला को दी। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, हम में से जो दुनिया में जो लोग हैं, कोई एक चीज में टॉप होता है, कुछ लोग दो चीज में टॉप होते हैं, कोई चीज तीन चीज, कोई हर मामले में टॉप नहीं हो सकता। मास्टर ऑफ ऑल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, हर मामले में, हर मैदान में वो टॉप है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसे मुमकिन होगी? अल्लाह ही की तरफ से बात होगी तब तो होगा ना। अब ये बात जब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को मालूम होती है कि ये इतने अच्छे हैं और इतना होनहार है, तो वो पैगाम देती हैं शादी के लिए। खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र जो है 40 साल की उम्र है, 40 साल, और ये 25 साल के हैं। तो इस तरीके से ये मेरा सवाल इसी हवाले से, सवाल ये है कि हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपके साथ शादी करने की बात सोची, समझ में आती है बात, एक बिजनेस वूमन है, उनको एक मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द एरिया, बल्कि ऑफ द एरा उनके सामने है, और वो उससे शादी कर सकती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक शख्स जो खुद 25 साल जिसकी उम्र है, जो मोस्ट एलिजिबल बैचलर है, मक्के और आसपास जहां जहां के लोग उनको जानते हैं, वहां की तमाम खूबसूरत औरतें और लड़कियों के माँ बाप उनसे अपनी अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, मोस्ट एलिजिबल बैचलर इसलिए मैं कह रहा हूँ, और जिनकी शराफत, जिनकी अमानत, जिनकी खूबसूरती और उनकी वजाहत के चर्चे दूर दूर तक हैं, उनके लिए शादी का ख्याल दिल में आ जाना हजरत खदीजा के लिए फाइन आना। लेकिन हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शादी के लिए हाँ किस बुनियाद पर कह दी? वो क्या चीज थी जो मुहर्रिक बनी, जिसने तहरीक दी, जिसने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शादी करवाई? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नबी नहीं हुए हैं। जी जी, अभी 25 साल के। जी जी, और माहौल जो है बुराई का माहौल है। वहाँ पर अच्छाई 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 की तरह नहीं देखी जा रही है, और उनको उस तरह फेमस नहीं है जिस तरीके से आप तस्वीर कर रहे हैं कि सब जगह से वो
मतलब ये, क्योंकि बुराई तो आम है वहाँ पर। जी जी। तो यहाँ पर अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक्सेप्ट करते हैं तो जाहिर है खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का भी जो उस हसना जो कैरेक्टर था वो बहुत आला किस्म का था। मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई अल्लाह की तरफ से हो रही है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लगातार जो है शुरू से लेके आखिर तक जो है अल्लाह की तरफ से है। तो ये अल्लाह ही की तरफ से ये कदम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी जो है 40 साल की उम्र है ताकि लोगों का मुंह बंद हो। अच्छा, यहाँ एक बात और भी हो सकती है, मैं जानना चाह रहा हूँ, अपनी राय नहीं रख रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ, सवाल की तरह बात कर रहा हूँ, आपसे भी देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 15 साल का वक्फा है जो तन्हाई में गुजरना है जिसमें एक रसूल के अंदर रसालत ने परवरिश पानी है, या उसके लिए एक एल्डरली लेडी की जरूरत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो प्रॉफिट की है ये लगातार मुसलसल हंगामी की हालत नहीं, क्योंकि मैं किस लिए ऐसा मेरे दिमाग में ख्याल क्यों आया, इसलिए आया कि जब आप 40 साल के हो जाते हैं और आपके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, इकरा बिस्मी पढ़ाते हैं और आपकी कैफियत ये होती है कि आपको बुखार और आप घर आते हैं तो बीवी खदीजा ऐसा सपोर्ट करती हैं, कंबल डाल देती हैं, कान के प्याज लेके। पहले तो ये देखिए कि गारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन दो दिन तीन और खाना लेकर के तोशा लेकर के कहाँ तक चढ़ते थे। मेरे जैसा आदमी जो जाने के बाद में छिटकता कि इतनी ऊंची पहाड़ी पर कैसे चढ़ूंगा, मैंने अभी तक नहीं चढ़ा। मैं वही तो कह रहा हूँ, उस हालत में मैं वही तो कह रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना लेकर पहुंचते थे। लेकिन ये भी सोचिए कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कैसी है, अल्लाह पाक जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से सलाम पहुँचाता है। क्या ये हिकमत अल्लाह की तरफ से, कहीं अगर हम समझने की कोशिश करें इस शादी में कहीं ये हिकमत तो नहीं थी कि एक एल्डरली लव की आपको इस वक्त जरूरत है, एक ऐसी औरत की जरूरत है जिसे सलाम अल्लाह भेजे, अब उसे थोड़े से प्रोटेक्शन की जरूरत है, किसी एल्डरली जो खाना लेके बगैर जैसा आपने कहा तो बाकी पहाड़ी पे चढ़ जाए। लेकिन ये भी बात सोचने की कि ये उनके गुजर जाने के बाद में भी खदीजा रज़ी अल्लाह गुजर गई है, आयशा रज़ी अल्लाह के जमाने में भी वो जब खदीजा रज़ी अल्लाह तआला को याद करते तो आयशा रज़ी अल्लाह बोलती है कि उनको बुढ़िया को क्यों याद करते हैं, तो ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि ये आयशा जो वो खदीजा रज़ी अल्लाह जिस तरीके से मेरे साथ में शफ़क़त और मरहमत उस वक्त वो साथ दी है जब थी वो इस बात की जब सारे लोग इनकार करते थे, लेकिन उन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट किया तब वो काम जो था बड़ा काम हुआ। स्वामी जी, आप मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे हैं? मैं सोचता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में जो 40 साल की खदीजा से शादी की वो एक बहुत बड़ा, उसको हम त्याग कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा त्याग था और दुनिया के लिए कि ये आदर्श है कि एक विधवा और अपने से 15 साल बड़ी महिला को अपनी पत्नी बनाना और पत्नी का स्थान देना और उतना प्रेम करना, इतना कि करना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा, ये इसको हम त्याग और दुनिया के लिए आदर्श कहेंगे। डॉक्टर शुएब साहब से मेरा अगला सवाल यह है कि डॉक्टर शुएब साहब, ये चलिए 40 साल हो गए कोहे फारान पे ऐलान हक हो गया, ऐलान हक होने के बाद आप दोनों हजरात से, दोनों स्पीकर से मेरा सवाल है कि जो 10 साल जिंदगी है तकरीबन कमोबेश 40 साल से लेके 50 साल तक की जो मैक्सिमम स्ट्रगल की जिंदगी है, इसमें मेरे ख्याल से कोई खुशी मुश्किल से आपके दरवाजे पे आई होगी, ये वो जिंदगी है कि जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सारे गम उठा लिए, ऐसे ऐसे गम जो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर लोगों को भूख की इंतहा है तो आपकी भूख डबल है, आपके ऊपर हमला किया जा रहा है खाने काबा के अंदर, जहां इतने मौजूद बन के आते थे वहां आपके ऊपर हमला किया जा रहा है, यहां तक कि चोट लग जाती है आपको, तो उस 10 साल जिंदगी के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या क्या खास बातें हैं जो आप हमारे ऑडियंस से शेयर करेंगे और क्या यही वो 10 साल हैं जिन्होंने आपको अमन का पैगम्बर मशहूर किया? देखिए, 10 साल की जो जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की है वो अज़ियतनाक है, अज़ियतनाक, बल्कि सारे 10 साल के अंदर वो जो वाकया, वो जो 3 साल का बायकॉट जो है वो खतरनाक, मुझे दिल दहल जाता है वहाँ पर कि वो जब खाने को मिलता था उसको चबा करके वो उनकी जो पैखाना होता था वो जो बकरियाँ जैसे वो पैखाना निकलता उस तरीके से उनके पैखाने होते थे, तो ये एक दो दिन का वक्फा नहीं, 3 साल का सोशल सबूर भी नहीं कर पाते हैं कि किस तरीके से गुजारा होगा। जी जी, स्वामी जी आपको क्या लगता है ये सख्तियाँ किसी और मजहब के किसी और हादी ने उठाई हैं? नहीं, मेरी समझ में सारी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जिसमें इतना जुल्म और इतने लंबे समय तक किसी ने सहा हो और इसके बाद भी सब्र किया हो, खुद किया हो, अपने अनुयायियों से करवाया हो, अपने फॉलोअर से करवाया हो, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसी मिसाल नहीं है। और यही जो तरीका आपका था वो एक आम आदमी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलग करता है। एक बहुत अच्छी बात कह रहा है जी, आम आदमी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुनियादी फर्क यह है कि आम आदमी के मुकाबले हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादी अकबर की कुव्वत बर्दाश्त आम आदमी से कितने गुना ज्यादा है। एक आम आदमी अगर भूख से एक पेट पे एक पत्थर बांधता है, जाके शिकायत करता है तो आपके पेट से 2 पत्थर बंधे होते हैं। 3-3 साल आप सोशल बायकॉट,
जिसमें न खाने को है न पीने को है न सलाम करने वाला है न हाल चाल पूछने वाला है, अपना और अपने बच्चों का अपने अहले खाना का ये हाल देखना क्या आपके और मेरे लिए मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। अगर हमारे लिए मुमकिन नहीं है तो उन्होंने मुमकिन करके दिखाया, उनकी कुव्वत बर्दाश्त हमसे किस कदर ज्यादा थी। स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आम आदमी और हादी अकबर और अमन के पैगंबर और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आम आदमी में यही फर्क है जो दोनों को एक दूसरे से जुदा करता है। स्वामी जी, आपने जैसा कि बताया कि ऐसा हीरो कहीं पूरी कायनात के किसी और सिविलाइजेशन में नजर नहीं आता, इतने जुल्म और सितम, आपको क्या लगता है कि जब एक हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रब उनके अल्लाह के दरमियान एक कॉन्टेक्ट है बाकायदा, रोज फरिश्ते आते जाते हैं, पैगाम आते जाते हैं, तो क्या आप कोई चमत्कार नहीं मांग सकते थे? नहीं, हमको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बात कर रहा हूँ आपको, अल्लाह जो है हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता है, अपना महबूब कहता है जी। ये कैसा महबूब है जो अपने ऊपर जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहा है? आपको नहीं लगता ऐसा कुछ, ऐसा सवाल आता है आपके दिमाग? देखिए, दूसरे मजहब में जो भी अवतार हैं या महापुरुष आए, उनकी जिंदगी में चमत्कार है, ये काम चमत्कार से कर दिया। जो चमत्कार ही वाली जो चीजें होती हैं वो अव्यवहारिक होती हैं, असल जिंदगी में वो नहीं होती, वो मैसेज नहीं दे सकती, क्योंकि आम आदमी उसको अपने ऊपर उतार नहीं सकता उस अमल को, क्योंकि वो चमत्कार है। अगर हम किसी अवतार ने कोई चमत्कार किया तो हम उस अमल को अपने ऊपर कैसे उतारेंगे, हम वो चमत्कार कर नहीं पाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में कहीं कोई चमत्कार नहीं किया, कोई व्यावहारिक बात नहीं, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं किया, क्योंकि चमत्कार जो है वो अल्लाह ही करता है, अल्लाह इंसान नहीं करता। अल्लाह ने भी इस बात को, इसमें थोड़े सा मैं दखल ये दूंगा ये कह के कि अगर चांद के दो टुकड़े आपके शहादत की उंगली से कराए तो उसमें अपना उनका जाती फायदा नहीं था, कोई अपने जाती फायदे के लिए कभी कोई चमत्कार कोई नहीं किया, कोई नहीं किया, कोई नहीं किया। डॉक्टर शेख साहब के पास आते हैं, डॉक्टर शेख साहब, मेरा यही सवाल जो स्वामी जी से था वो आपसे भी है कि अल्लाह के महबूब हैं हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कैसा महबूब है जो हर जुल्म सहरा है? देखिए, हमको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि ये दुनिया जिंदगी का कॉन्सेप्ट क्या है। अल्लाह खुद ही फरमाता है सूरह मुल्क सूरह नंबर 66 आयत नंबर 2 में, हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि देखे तुम्हें कौन अच्छे अमल करता है। तो ये पूरी जिंदगी हमारी आजमाइश के लिए है, टेस्ट के लिए। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 नंबर की आयत है कि तुमको जरूर आजमाया जाएगा, भूख दे करके, नुकसान दे करके, तुम्हारे मालों में नुकसान दे करके, तुम्हारी जानों में नुकसान दे करके, लेकिन खुशखबरी सुना दो जो सब्र करते हैं। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 214 में, अम हसिब तु अन तदखुल जन्नत, तुम क्या समझते हो ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, जबकि तुमसे पहले के लोगों के ऊपर इससे ज्यादा मुसीबतें आई, इससे ज्यादा परेशानी आई, जो ईमान वाले वो भी चिल्ला उठे कहाँ अल्लाह की मदद, और अल्लाह कहता है अल्लाह की मदद करीब है। ये दुनिया जो है आजमाइश की जगह है, और कयामत के दिन जिन आजमाइश से गुजरते हुए कल अल्लाह पाक इन आजमाइशों के बदले में जो इनामात अता करेगा उसको देख करके बंदा ये कहेगा कि या अल्लाह और क्यों नहीं मुसीबत तूने मुझे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर शुएब साहब ने कही, पहले समझना पड़ेगा हमको कि हयात और मौत का कंसेप्ट इस्लाम में है क्या। अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो मजहब हम तक पहुँचा, मजहब हक, वो हयात और मौत के मुतालिक क्या कहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो हमें पैगाम मिलता है वो ये है कि हयात और मौत आजमाइश की चीजें हैं, जिंदगी और मर जाना दोनों आजमाइश है। उस आजमाइश में जो पूरा उतरा, जो खरा उतरा, उसको हमेशा की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें कोई मौत नहीं है, सिर्फ हयात ही हयात है, उस जिंदगी में इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सवाल यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर अपने महबूब को यहाँ आजमाइश के इस दौर में आजमाया तो महबूब की तरह ही आजमाया। आम आदमी को आजमाइश में डाला जाए तो वो आम आदमी की आजमाइश होगी, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश होगी तो वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश होगी, क्योंकि उनके इनाम और इकराम भी इतने बड़े हैं। बहुत अच्छा जवाब हमें मिला डॉक्टर शुएब साहब। अब हम आखिरी सेगमेंट में आखिरी जिंदगी की तरफ आते हैं आपकी। ये 50 साल के बाद मदीनवी जिंदगी है, जो हुकूमत की जिंदगी है, जो इस्लाम के फैलाव की जिंदगी है, जो इस्तकामत की जिंदगी है, जो दीन को कायम करने की जिंदगी है, जो लोगों के दरमियान दीन को फैलाने की जिंदगी है, उस जिंदगी के मुतालिक आप बताएं, थोड़ा डिटेल में बताएं। उससे पहले मैं जहां आप छोड़ के आए हैं बात को, वहां पर मैं जाना चाहूंगा जी जी, कि आखिर दिनों में जहां मक्का में है वो, तो आखिर दिनों में ऐसा हुआ कि अबू तालिब का इंतकाल हो गया, गम का फा जी जी, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला का इंतकाल हो गया, मक्की भी आखिरी जिंदगी। हाँ, मक्की आखिरी। और ताइफ गए हैं, ताइफ सोच करके कि वहां पर कुछ उनको सपोर्ट मिल जाएगा, तो वहां पर पत्थर बरसाया गया जी जी जी। तो ये तीन जो वाक्य हुए बहुत गमगीन हुए, लेकिन अल्लाह ने देखो किस तरीके से अपने महबूब को हिम्मत बनाई। उसी दौरान में अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी तरफ बुलाया, मेराज करवाया। उम्मे हानी के घर में है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं बुराक लेकर के,
बुराक पर बैठते हैं, सीधे जेरूसलम पहुंचते हैं, वहां पर सारे अंबियाओं की इमामत करते हैं, वहां से मिराज जो एलिवेटर है उसमें बैठते हैं, सीधे आसमान पर पहुंचते हैं और वहां पर सब पूरा सैर करके वापस आते हैं और उम्मे हानी को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ में। उम्मे हानी बोलते हैं खामोश रहना, किसी से बोलना नहीं, कोई यकीन नहीं करेगा, सब झूठा समझेंगे आपको, खामोश रहना, कुछ बोलना नहीं किसी से। नबी कहते हैं नहीं, ये तो हुआ है मेरे साथ में, मैं तो सबको बोलूंगा। और वो सुबह होते ही सबको बोलना शुरू करते हैं, सबको बताते हैं, जो जो सुनता है उनके पास में बड़ा मसाला मिल गया है झूठा बोलने के लिए कि ये कैसी अटपटी बात करते हैं। आज हमारे सामने जो है खलाओं में जाने के आने के वापस जो है इसके बारे में हमको थोड़ा सा अजीब सा लगता है। उस जमाने में तो बैतुल मुकद्दस जाके आना मक्का जो है वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, महीनों का सफर है। वो कहे कि बैतुल मुकद्दस जाके आ गए, ये बहुत बड़ी बात थी, वो समझ में आने जैसी बात नहीं थी। तो ये उनके पास में बहुत बड़ा हरबा था ये बोलने के लिए कि ये तो देखो कितना जबरदस्त मिल गया है, ये तो झूठे हैं तुम्हारे। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बोलते हैं कि देखो तुम्हारा साथी क्या कह रहा है, ये सोच करके कि अब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बिचक जाएंगे। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं अगर कह रहा है तो मैं ये सच्चा मानता हूँ कि वो, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी सच्ची बात मैं मानता हूँ कि अल्लाह की तरफ से वही आती है, फरिश्ता आता है। और फौरन जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में बैठे हुए वही सुना रहे हैं लोगों के सामने, लोग जो है सवाल पर सवाल करते चले जा रहे हैं, जवाब देते चले। एक मर्तबा का मौका ये आता है सवाल करते हुए कि ये लोग जो मौजूद हैं इनमें से कुछ लोग बैतुल मुकद्दस जाकर आए हैं, अब इनको मालूम है कैसा कैसा है। तो ये पूछते हैं उनसे कि बताओ उसका कर्टन कैसा है, उसका दरवाजा कैसा है, उसका दीवार कैसी है, उसका कलर कैसा है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ टाइट कॉर्नर में है, हम कहीं जाते हैं कोई महल को देखने के लिए, पहले से हमको ये नहीं पता है कि ये पूछने वाले हैं, तो हम देख के आ जाएंगे, हम उसका कर्टन और चौखट थोड़ी ना देख के आएंगे कि कौन से साइज का है। अल्लाह पाक जो है पूरा जो मंजर बैतुल मुकद्दस का उनके आंख के सामने कर देता है और जो जो पूछ रहे हैं वो फौरन जवाब दे रहे हैं, उसका चौखट कैसा है ये ऐसा है, उसका कर्टन कैसा है ऐसा है, उसकी दीवार ऐसी है ऐसी है, उसकी खिड़की ऐसी है ऐसी। तो उस तरीके से जैसे जैसे बोलते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला चिल्ला उठते हाँ अल्लाह के रसूल ऐसा ही है, हाँ अल्लाह के रसूल ऐसा ही है, हाँ अल्लाह के रसूल ऐसा ही, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अभी जा करके आए तो उनको पता था कि बैतुल मुकद्दस का सारा मामला ऐसा ही है, दीवार ऐसी है, इसकी खिड़की ऐसी है। तो वहां पर मालूम होता है कि जो बात अटपटी है, इनकार करने जैसी है, झुटलाने जैसी है, लेकिन वही बात जो झुटलाने जैसी है यो तो झुटलाना नेचुरल है, नॉर्मल है, क्योंकि ये कोई कैसे मान सकता है कि आसमान से जाके आ जाए, बैतुल मुकद्दस से जाके आ जाए, एक मानने जैसी बात नहीं है। बहता रहा, लेकिन लेकिन वो लोग जो है मान लेते हैं, वो सहाबा किराम मान लेते हैं, ये बड़ी बात है, बड़ी बात, सच्ची बात, ये बड़ी बात है। वो क्यों मानते हैं, क्योंकि वो देखते हैं दलीलें सामने है ना, सच्चाई सदाकत, सच्चा आदमी सदाकत से भरी दलीलें दे रहा है। अब यहाँ पर ये मक्का से जब वो हिजरत करते हैं और चले जाते हैं मदीना, मदीना पहुंचने के बाद में भी ये तादाद इनकी बहुत कम है। अब ये तादाद इतनी कम होने का, अब ये यहाँ पर प्लानिंग हो रही है मक्का में कि ये मुसलमान भाग गए हैं, हट गए हैं, अब इनको वहाँ पहुँच करके बहुत ख़त्म कर दिया जाए, इनको सफ़े हस्ती से हटाने की प्लानिंग होती रहती थी। तब यहाँ पर इस तरीके से हुआ कि ये काफिला जो निकला था थोड़े लोगों का, 313 लोगों का, जिसके अंदर दो तलवारें थीं, घोड़े भी कमती थे और साजो सामान भी नहीं था, वो सिर्फ एक काफिला जो अबू सुफियान का तजारत के लिए गया था और जो घर छोड़ करके आए थे, इनका सब माल जमा करके वो माल लेकर के तजारत करने गए थे, तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे। लेकिन वहाँ ये मालूम हुआ कि मक्का वाले जो पता चला कि ये इंटरसेप्ट करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रुप लेके गए, तो वहाँ से 1000 का लश्कर लेकर निकलते हैं पूरे साजो सामान के लिए। वहाँ पर जो तैयारी नहीं हुई है, जंग की तैयारी नहीं है, वो तो इंटरसेप्ट करने के लिए, काफिलों को खाली रोकने के, अबू सुफियान का जो माल से अपना सामान वापस लेने, अपना सामान लेने के लिए था, लेकिन यहाँ पर मजबूर होकर के वहाँ पर उनका मुकाबला करना पड़ता है। तो वहाँ पर तय होता है कि हम मुकाबला करेंगे 1000 लोगों का। अब ये सोचने की बात है, 313 निहत्थे, बिल्कुल साजो सामान नहीं, तलवारें नहीं, घोड़े नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ पर हर एक के बाद में असले हैं, लड़ने का सामान है, लेकिन फिर भी उस लड़ाई के अंदर क्या हुआ, अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पढ़ते हैं कि वो दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह अगर ये 313 ये जो है ये ख़त्म हो गए तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह पाक उनके दुआ करते ही फरिश्तों की पूरा जमघट भेज देता है, फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम और पूरे फरिश्ते लड़ने के लिए पहुँच जाते हैं और वहाँ बगल में देखते हैं तो सारा पूरा मजमा खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर मुस्कुराहट करते हैं और ये फरिश्ते वो 313 के साथ में लड़ाई लड़े, तब जा करके कामयाब।
फरिश्ते इंसान की मदद को आते हैं। देखिए महबूब होना यहाँ साबित होता है। स्वामी जी आपने कहीं पूरी इतिहास में पूरी हिस्ट्री में मजहबी या गैर मजहबी हिस्ट्री में ये जंग बद्र जैसी कोई जंग देखी पड़ी? नहीं, हमने तो ऐसी नहीं पड़ी। 313 का मुकाबला हजारों से हो जंग बद्र कोई उदाहरण ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो महान लोग होते हैं महापुरुष होते हैं वो बुराई का मुकाबला करने से डरते नहीं है, लेकिन समय और परिस्थितियों को देखते हुए कुछ समय के लिए बुराई से दूर हट जाते हैं। अल्लाह का हुक्म सूरह 7 आयत नंबर 199 में आया, जाहिलों से किनारा कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े समय के लिए जाहिलों से किनारा किया, मक्का से मदीना गए और जब अन्याय और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बातचीत का रास्ता सबसे पहले वहाँ जाने के बाद भी बातचीत का रास्ता अख्तियार किया, सुलह हुदैबिया किया, लेकिन सुलह हुदैबिया करने के बाद भी उसको तोड़ा गया। मतलब सारे हमने बताया कि असत्य अन्याय और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए और रास्ता भी समाप्त हो जाए, बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो एक ही रास्ता बचे जंग। तो जंग वो युद्ध युद्ध नहीं धर्मयुद्ध होता है। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का हुक्म आया सूरह 22 आयत नंबर 39 में कि जिन मुसलमानों से खामखां लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। तो कुरान मजीद की विशेषता ये है, अल्लाह के हुक्म की विशेषता ये है कि धर्म को देखते हुए उस युद्ध को मर्यादित किया गया। सूरह 2 आयत नंबर 190 में कहा गया कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना, कि खुदा ज्यादती करने वालों को नापसंद करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मस्जिद नबवी में जब बद्र की लड़ाई से 73 कैदी पकड़ करके लाए गए, खंभे में बांधे गए, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका कष्ट देखा नहीं गया, बड़ी देर रात तक जगते रहे। जब एक अनुयायी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल आप इतनी देर जग रहे हैं, तो आपने फरमाया कि ये कैदी कष्ट की वजह से नहीं सो सकते तो मैं कैसे सो सकता हूँ। ये इंसानियत का इससे बड़ा उदाहरण कहीं कोई नहीं है। हमने के पैगंबर जी, तो इस तरीके से उस युद्ध को मर्यादित किया। मेरे हिसाब से दुनिया के लोगों को, चाहे जिस धर्म का आदमी हो, हर इंसान को मेरा संदेश यही है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कदम दुनिया के लिए आदर्श है, आइडियल है, एक एक कदम। स्वामी जी ने हमें अभी बहुत अच्छी बात बताई कि रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के पैगंबर ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि उनके सामने अजियत उठाता हुआ इंसान कैदी है या अमीर है या गरीब है या मालिक है या गुलाम है, लेकिन उसकी अजियत आपको परेशान कर देती है, उसकी परेशानी आपको बेचैन कर देती है। आइए बात को गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सैयद शुएब साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, हम ये मदीने की जिंदगी में हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने जंग बद्र भी डिस्कस की, थोड़ा सा जंग उहद पे भी थोड़ी सी रोशनी मैं चाहता हूँ एक मिनट में आप डालें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जंग उहद, जंग बद्र की जो शिकस्त थी मुशरिकों की, ये बहुत बड़ा शॉक गुजरा उनको कि ये किस तरीके से हो गया कि 313 लोग, इतने कमजोर लोग जो है, हमारे हजार लोगों को मतलब पराजय कर दिए, हरा दिए, और वो बहुत बड़ा शौक गुजरा। तो उसकी तैयारी में वो बहुत बड़ी तादाद लेके फिर से दोबारा आए तो फिर यहाँ पर भी उसकी तैयारी की। हमेशा ये हुआ है कि सामने से जब लड़ाई लड़ने के लिए आई तब जाकर के मतलब उसका मुकाबला डिफेंड करने के लिए बात हुई। जैसे स्वामी जी ने वो आयत बताई सूरह बकरा के 190 नंबर की आयत कि अल्लाह तुमको हुक्म करता है कि उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन वाला तादादो तुम हद से तजावुज ना करो, हद से ज्यादा मत बढ़ जाओ। जी जी जी, तो लड़ना उसी से है जो तुमसे लड़ते हैं उनसे लड़ना है, जो तुमसे लड़ते हैं उनसे लड़ो, तो या अपनी हिफाजत में लड़ो, हिफाजत में लड़ो, अपने मजहब की हिफाजत में लड़ो। लड़ाई ओहद की लड़ाई होती है, ओहद की लड़ाई में बहुत बड़ा सबक मिलता है हमको ओहद की लड़ाई में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पहाड़ के ऊपर 70 सहाबा को, तीरंदाज को वहाँ मुतय्यन करते हैं कि यहाँ पर से हटना नहीं जब तक के हम बोले नहीं, तब तक, यहाँ तक के हमारी जो लाशों को चील कौए काटें तब भी तुम वहाँ से हटना नहीं, इतना सख्त बैन था। लेकिन हुआ ये कि शुरू में मामला ये हुआ कि हावी हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा महसूस हुआ कि मुसलमान जो है उनको हरा दिए हैं, सब भागना शुरू कर दिए, सब चले गए, जो दुश्मन थे सब हट गए, भाग गए। ऊपर वाले जो थे तीरंदाज वो समझे कि अरे अब तो जीत गए, ये तो हुक्म पहले का था कि जब ऐसी हालत होगी तब, तो वो उसको अपनी जगह छोड़े और कुछ लोगों ने मना भी किया, फिर भी अक्सर लोग जो है छोड़ दिए। ये चीज को खालिद बिन वलीद जो थे वो ताक में लगे हुए थे, वो देखते हैं, बोलते कि अभी भी हम हारे नहीं है जंग,
और उसको पीछे से घूम करके जहाँ से उनको मौका मिलता है वो हमला करते, तो वो एक सबक है मुसलमानों के लिए और इंसानियत के लिए कि नबी की बात को तस से मस आप नहीं कर सकते। इस्लाम की कोई भी बात को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात को आप उसके कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो नुकसान उठाना लाजिम है। नाज़रीन, बहुत बड़ा सबक यहाँ हमको ये वाकया देता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के खिलाफ जाने वालों के लिए। हम मुसलमान हो सकते हैं, हम ईमान वाले हो सकते हैं, लेकिन तब तक हमारा ईमान कामिल नहीं होता जब तक हम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पे पूरी तरह पाबंद ना हो। जंगे उहद से ये साबित होता है, हालांकि वो बेहतरीन 70 लोग थे जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ट्रेन किया था, लेकिन उनसे भी ये गलती हुई, वो भी उनके धोखे में आके रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भूल गए और उन्होंने उनके हुक्म के खिलाफ किया, नतीजा ये कि नुकसान उठाया। हमें सबक इससे ये मिलता है कि हम अपनी जिंदगियों में अगर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकाम को उसी तरह से माने जिस तरह से जंगे उहद की जंग में उन पहाड़ियों पर बैठे हुए उन 70 लोगों को सहाबा इकराम को हुक्म हुआ था, अगर हमको भी उसी तरह मानने का हुक्म है तो अगर हम भी उसी तरह माने तो यकीनन हम जिंदगी और आखिरत में कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। आइए फतेह मक्का की तरफ आते हैं। फतेह मक्का पे आने से पहले मैं कमेंट लेना चाहूँगा स्वामी जी का। अभी डॉक्टर शोएब साहब ने बताया कि नुकसान उठाया मुसलमानों ने जंगे उहद में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात ना मान के, तो वो किस कदर हिकमत से भरी हुई बात थी, किस कदर जंगी चाल की बात थी। तो जंगी नुक्ते नजर से आप हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जर्नल होने की हैसियत से आप कहाँ देखते हैं? अब जनरल की बात अगर सेना न माने तो नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। दुनिया के सफलतम सबसे सफल जनरल थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उहद की लड़ाई की बात अधूरी रह जाती है अगर हम फतेह मक्का के उस वाक्य पे ना जाएं कि जिस उहद की लड़ाई को अबू सुफियान के नेतृत्व में लड़ा गया, जिसमें आप घायल हुए और आपके कई अनुयायी शहीद हुए, इसके बावजूद उन विरोधी सेनापति को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न केवल माफ़ किया बल्कि कहा कि अबू सुफियान को माफ़ी, अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसे भी माफ़ी। तो ये कितनी बड़ी बात, जिस व्यक्ति ने आपको घायल किया, आपके अनुयायियों को शहीद किया, उसको आपने न केवल माफ़ किया बल्कि कहा कि जो उनके घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफ़ी। इससे बड़ी महान बात और कोई हो नहीं सकती, और ये केवल वही कर सकता है जो इंसानों से अलग हो। जो आप इंसानों से अलग अल्लाह के रसूल थे ये आप ही कर सकते थे, और किसी के बस का ये नहीं। तो दुनिया के इतिहास में ऐसा है ही नहीं कि इस तरीके से इतने बड़े मुजरिम को, इतने बड़े दुश्मन को ऐसे माफ़ किया गया हो। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात बताई स्वामी जी ने कि इंसान अपने नफ्स के गलबे में आके, अपनी दुश्मनी के गलबे में आके, अपनी ताकत के जोम में आके उन तमाम लोगों को जो उसकी कैद में आ जाते हैं, उन तमाम लोगों को जो उसकी ताकत के जोर में आ जाते हैं, जेरे ताकत आ जाते हैं, उनसे बदला लेता है और उनसे उन तमाम परेशानियों, उन तमाम दुखों, उन तमाम बुराइयों का हिसाब लेता है जो उसने उनके बुरे वक्त में उनके साथ की होती हैं। लेकिन हजरत रसूल मकबूल को अमन का पैगम्बर इसीलिए कहा जाता है कि आपने अपने दुश्मनों को माफ़ किया, आपने उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने आपके साथ बुराइयां की थी, आपने सिर्फ उन्हें माफ़ ही नहीं किया बल्कि उनकी पनाह में आने वालों तक को माफ़ किया, उनके घरों तक में आने वालों को माफ़ किया। आपको अमन का पैगंबर इसीलिए कहा जाता है। मैं इस आखिरी सेगमेंट के आखिरी लम्हों में दोनों अपने स्पीकर से एक सवाल पूछना चाहूँगा। शुरू करते हैं डॉक्टर शोएब साहब से। डॉक्टर शोएब साहब, अमन के पैगंबर हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम ये दे रहे हैं अपनी अमली जिंदगी से और अपनी अहदीस के जरिए, अपनी सेइंग के जरिए, कि किसी इंसान को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी दूसरे इंसान को बेवजह मार डाले। अल्लाह का फरमान दुनिया तक फैला रहे हैं और आप शेल्टर दे रहे हैं उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन अमन के पैगंबर रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हम लोग, आज की दुनिया के लोग, आज के समाज के लोग या हम में से कुछ लोग टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? यही तो बड़े ताज्जुब की बात है कि इस्लाम, जिसका मतलब यही होता है कि अमन का मजहब, इस्लाम का माने ही है फिल्म फीन लाम मीम, जो बात पहले आनी चाहिए ये आखिरी में आ रही है। इस्लाम जो अरबी लफ्ज़ है सीन लाम मीम से है, सीन लाम मीम को फिल्म भी पढ़ सकते हैं, फल्म भी पढ़ सकते हैं। फल्म का मतलब है अमन, शांति, चैन। और ये बात जो है सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 61 में है कि जब वो पीस चाहे, जब वो अमन चाहे तो उनको अता करो, पीस दो जंग के मैदान में। और सीन लाम मीम को फिल्म भी पढ़ते हैं, फिल्म का मतलब है अपनी मर्जी को निछावर कर देना, सबमिट कर देना। और ये बात जो है सूरह बकरा के 208 नंबर की आयत में है, या युहलदीन आमनुत खुलूफी फिल्मी काफा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जो दीन का मतलब ही है कि अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के हवाले करके चैन, सुकून, शांति इस दुनिया में और आखिरत की दुनिया में
हासिल करें, वो मजहब टेररिस्ट का मजहब कैसे हो सकता है? दूसरी बात ये, कुरान की आयत ही देखिए, सूरह मायदा की 5 नंबर की सूरह और 32 नंबर की आयत में, मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतला नास जमीअ, अगर किसी ने भी नाजायज तौर पर बगैर कोई मर्डर किए हुए, बगैर कोई फसाद बर्पा किए हुए किसी जान को वो नाजायज तौर पर मार देता है, ऐसा है जैसे कि सारी इंसानियत को खत्म कर दिया। या लेकिन अगर किसी ने एक भी इंसान को बचा लिया तो ऐसे सारी इंसानियत को बचा लिया। ये बात कहाँ पर मिलेगी आपको? कोई कहीं कहीं मिलेगी? सूरह मुमतना की आयत है, 60 नंबर की सूरह, तो 8 नंबर 9 नंबर की आयत में अल्लाह तुमको मना नहीं करता उनके साथ में इंसाफ और अच्छे सलूक करने से, जो तुमसे दीन की नस्बत पर लड़े नहीं, जो तुमको घर से बेघर ना करें। अल्लाह तो उन्हीं से मना करता है कि उनसे अच्छे ताल्लुकात और मोहब्बत आना और लविंग माफिया ना रखें, जो लोग तुमसे दीन की नस्बत पर लड़ते हैं, तुम्हारे रिलीजन की नस्बत पर लड़ते हैं, तुमको घर से बेघर करते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं तुमको घर से बेघर करने। अल्लाह उन्हीं के ताल्लुक से कहता है कि उनसे दूर रहूं जो दुश्मन। प्रैक्टिकल बात तो कुरान जो है ऐसी तालीम देता है। मैं स्वामी जी की तरफ आता हूँ। स्वामी जी, आपका कमेंट क्या है? आखिरी कमेंट में चाहूंगा कि अमन के पैगंबर, मैसेंजर ऑफ पीस हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि अभी आपने खुद बयान फरमाया कि कैदियों की बेचैनी पर बेचैन हो जाने वाले अल्लाह के रसूल, उनके मानने वाले टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? इसके जवाब में हम कुरान मजीद की एक आयत सुनाना चाहेंगे। इससे पहले ये हम बताएं, हमने कुरान मजीद शुरू से आखिर तक 10 बार पढ़ी और इसलिए पढ़ी कि कुरान मजीद के संदेश गैर मुस्लिमों को, खासतौर से हिंदुओं को हम दे सकें। तो उसी ज्ञान को हम बताना चाह रहे हैं कि कुरान मजीद के सूरा 28 आयत नंबर 83 में है कि अल्लाह वादा कर रहा है लोगों से कि हम जन्नत का घर उन लोगों के लिए विशेष कर खास तौर पर देंगे जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी जो दिमाग में सोचते भी नहीं जुल्म और फसाद करने का, उनको हम जन्नत का घर खास तौर से देंगे। ये अल्लाह का वादा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इतिहास में मैंने पढ़ा कि मुस्लिमों ने यहाँ मंदिर तोड़े, वहाँ मंदिर तोड़े, वहाँ मंदिर तोड़े, तो इसके बारे में कुरान मजीद की एक आयत हम बताना चाहते हैं लोगों को कि सूरह 22 आयत नंबर 40 में है, अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो राहिबों के पूजा घर और ये ईसाइयों के गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें, जहां पर अल्लाह का बहुत सा नाम लिया जाता है, ढाई जा चुकी हो। यानी अल्लाह को पसंद नहीं है कि ये इबादत खाने जहां अल्लाह का नाम लिया जाता हो उनको ढहाया जाए, वो इसीलिए लोगों को हटाने का प्रयास करता है और जो ऐसा करेगा उससे नाराज होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह के हुक्म को न मानना कुफ्र है, वो फिर इस्लाम से खारिज, और ऐसा व्यक्ति तो जन्नत पा ही नहीं सकता, वो तो जहन्नुम में जाएगा जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहा है। तो इस लिहाज से एक मुसलमान कैसे आतंकवाद में लिप्त हो सकता है, कैसे आतंकवादी बन सकता है? और उन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी जो अपने जीवन में सिवा माफी के कुछ और करते ही नहीं रहे। हम तो दुनिया के लोगों से, केवल हिंदुओं से ही नहीं, दुनिया के लोगों से हम ये कहेंगे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी एक मुसलमान कभी आतंकवादी हो नहीं सकता, और जो आतंकवादी या अन्याय करने वाला है वो मुसलमान नहीं हो सकता। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुयायी यानी मानने वाला एक टेररिस्ट, एक आतंकवादी नहीं हो सकता, और अगर वो है तो उसे अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है, उसे ये देखने की ज़रूरत है कि वो पूरा का पूरा मुसलमान है भी या नहीं। आइए डॉक्टर शुएब साहब का आखिरी कमेंट लें, आपका आखिरी कमेंट ऑन द टॉपिक, मैसेज टू द ऑडियंस। मैं यही कहना चाहूँगा ऑडियंस से कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, देखें, करीब से जानें, और अगर आप पढ़ेंगे तो आप मजबूर होंगे मानने के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के भेजे हुए रसूल हम सब के लिए हैं, आपके लिए भी हैं। मैं कहूँगा कि पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ा है, मिरेकल है, पैदाइश से लेकर के आखिर दम तक पूरी ज़िंदगी को, एक एक नुक्ते को, एक एक लम्हे को देखिए और हर एक वाक्य को देखिए तो आपको मालूम होगा कि ये चमत्कार है, मौजज़ा है, ये अल्लाह ही की तरफ से है। तो ये आप मजबूर होंगे मानने के लिए। तो मेरी गुजारिश होगी ऑडियंस से कि कुरान को पढ़ें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। क्या बात है नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँ एक दो बातों को क्लियर कर दूँ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव, बहुत हसास टॉपिक है और मुझे सा कम जानकार इस टॉपिक पे बात कर रहा है अपने इन दो काबिल और जानकार पैनलिस्ट के साथ। आइए हम टॉपिक को अपने अख्ताम तक पहुंचाएं और मैं आपको बताऊं कि आज की ये खूबसूरत शाम अपने खात्मे की तरफ है और जफर बिजनौरी के इस खूबसूरत शेर के साथ आज की शाम को अख्ताम पजीर करते हैं कि ये सिलसिला भी खत्म नबूवत का खूब है,
یہ سلسلہ بھی ختم نبوت کا خوب ہے، پیچھے ہے کارواں کے ظفر میر کائنات۔ ظفر بجنوری کے شعر کے ساتھ میں ناظرین آپ کو پیغام دینا چاہوں گا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء السلام میں جس طرح سے سب سے امامت کی جگہ حاصل ہے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آئیے ہم تمام دنیا تک امن کا وہ پیغام پہنچائیں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ آئیے ہم لوگوں کے دل و دماغ تک، لوگوں کے دروازوں تک، لوگوں کے ذہنوں تک اور لوگوں کے دلوں تک محبت اور امن کی وہ باتیں پہنچا دیں جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں، ذمہ داری کے ساتھ کہ ہم اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچائیں گے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سوامی جی، آپ سے ہمیں بہت ساری اور بہت اچھی اچھی جانکاریاں ملی۔ ڈاکٹر شعیب صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں آئے اور ہمارے آڈینس کو حیات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت خوبصورت اور بڑی جانکاری والی باتیں بتائیں۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے اس دوست دانش جاوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔